अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आकिब शहजाद है और आप देख रहे हैं इल्म की बुनियाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिनांस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं और बिनांस क्या चीज़ है और इसकी हमें कैसे क्या ज़रूरत पड़ती है। बिनांस एक ट्रेडिंग ऐप है, जिस तरह ऑक्टेप एक्स और मज़ीद इस तरह की ऐप्स आई हुई हैं, लेकिन मैं आपको बिनांस इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि बिनांस पर इसका ट्रस्ट लेवल थोड़ा अच्छा है। तो दोस्तों, मैं अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, जिस पर हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और वो इन्वेस्टमेंट USDT में होती है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं होती है, इंडिया के रुपए में नहीं होती, तो उसके लिए आपको USDT की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपको ख़रीदने के लिए आपको एक ट्रेडिंग ऐप चाहिए होती है, मतलब ऑक्टोपैक्स हो गए या इस तरह की। तो बिनांस इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका ट्रस्ट लेवल थोड़ा अच्छा है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रेडर बैठे हुए हैं। तो हम अपने इधर से एक ट्रेडर ढूंढने गए जिसको हम अपने करेंसी में पैसे भेजेंगे और वो हमको वहाँ पर हमारे बिनांस अकाउंट में USDT दे देगा और वो USDT हम अब आगे इस ऐप उन ऐप्स पर इन्वेस्ट कर लेंगे या कहीं मतलब और आप किसी मकसद के लिए बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जी, ये तो हो गई डिपॉजिट की बात। तो जब हम अपने कि ना अकाउंट से अर्निंग कर लेंगे, मतलब जब हम विड्रा लेना चाहेंगे तो वहाँ से हम अपना विड्रा इधर बिनांस के अकाउंट में USDT में लेंगे, फिर यहाँ से USDT हम उन ट्रेडर को USDT देकर वहाँ से पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसे ले लेंगे। तो ये इसका थोड़ा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आसान तरीके से आपको समझ आएगा। यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद आपको वेरीफाई करना पड़ता है, आपको अपना ID कार्ड देना पड़ता है, ठीक है, फ्रंट और बैक साइड की, और आपको अपनी पिक्चर डालनी पड़ती है, सेल्फी देनी पड़ती है। फिर वो आपको टास्क देता है, कभी वो आपको कहेगा कि आप अपनी आंखें बंद करें या मुँह खोलें, तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर आपने क्लिक करना है तो आप इस तरह के पेज पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपसे कंट्री है, इसने आपने सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान, फिर आपने आगे आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप ईमेल पर अकाउंट बनाना चाहते हैं या मोबाइल पर। मैं ईमेल पर बनाना चाहता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी ईमेल लिखता हूँ जिस पर मैं अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। तो आपने वो ईमेल लगानी है जो आपके पास लॉगिन हो, उस पर आपको ये कोड देंगे, वो आपने कोड यहाँ पर लगाना होगा। तो चलिए पासवर्ड लगाएं आप अपने हिसाब से, जो पासवर्ड लगाना चाहते हैं, पासवर्ड थोड़ा टफ लगाइएगा। तो चलिए बाकी सेटिंग के साथ नहीं छेड़ना, तो आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये आप सामने पजल आएगी, मेरे सामने ये आई है, तो आपने इसको मिलाना है। तो मिलाने के बाद आप इसको डन कर देंगे। तो अभी ये कह रहे हैं कि आपकी ईमेल पर एक कोड हमने भेजा है, तो आप वो यहाँ पर कोड लगाएं। तो चलिए मैं अपनी ईमेल पर जाता हूँ, वहाँ से कोड मैं मुझे ये रिसीव हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो ये कोड मैं यहाँ से कॉपी करने लगा हूँ और ये जी मैंने आपके सामने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। तो चलिए हम डन करते हैं। तो अभी देखिएगा, ये बिनांस का हमारा अकाउंट बन गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको वेरीफाई करना, क्योंकि वेरीफाई हम जब तक इसको नहीं करेंगे तो हम ना इस पर कोई ट्रेडिंग कोई भी नहीं कर सकते। तो अब ऊपर देख सकते हैं हमारा इस पर ये नोट वेरीफाई है। तो चलिए जी, इसको वेरीफाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको CNIC की पिक्चर ले लेनी है, CNIC आपके पास होना चाहिए जिसकी आपको यहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा, आपसे ये कहेगा कि स्टार्ट नाउ करें, तो आपने नीचे स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। तो स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे आपका नेम लेगा, जो आपका अपना रियल नेम है वो आप लगाएं। नेम लगाने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है, फिर आपने आ जाना है नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर ये आपसे आपका एड्रेस मांग रहा है, तो आपने एड्रेस वो लगाना है जो आपकी CNIC पर है। तो पोस्टल कोड भी आपने लगाना है, सिटी का नेम भी लिखना है। तो चलिए जी, ये मैं यहाँ पर फिल कर लूँ, मैं आपको फिर नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो ये हमारा पोस्टल कोड है, तो ये हमारा सिटी का नेम है। तो चलो जी, ये हम इसको नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपसे ये अभी कहेगा कि आप अपने ID कार्ड की फ़ोटो कापी, ID कार्ड की पिक्चर दें। तो चलिए जी, पहले आपको फ्रंट साइड की इस पर पिक्चर अपलोड करनी है, आपने थोड़ी सी पिक्चर क्लियर बनानी है, तब जाकर आपका ये वेरीफाई होगा। तो कैमरे का आपने अलाउ करना है। तो ये मैं पिक्चर आपके सामने ले रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। तो आपने इसी तरह यहाँ से अपने ID कार्ड की पिक्चर बनानी है। तो ये जी हमारा फ्रंट साइड का अपलोड हो गया। तो चलिए जी, फिर आपने थोड़ा उसको ऊपर स्क्रॉल अप करना है। तो इसके बाद आपने
बैक साइड की पिक्चर भी बना कर इस पर अपलोड करनी है, तो ये मैं बैक साइड की ये पिक्चर बना रहा हूँ। तो चलिए जी, पिक्चर बनाने के बाद ये मैं इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आपको कहेगा कि आप अपनी सेल्फ़ी बनाएं। तो चलिए जी, ये टेका सेल्फ़ी पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आपने ना ग्लासेस लगाई हो, ना आपने कोई कैप पहनी हो, मतलब कोई फ़िल्टर आपने नहीं लगाना। तो उसके बाद आपने सेल्फ़ी बनाने के बाद आपने जो आपको कहेगा वो आप करें, तो आपके साथ ये आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।